अमीन साहब, मौली गुलजार साहब, हाफिज अलियास साहब, मीडिया पर्सन्स, सरपंच हजरात और तमाम हजरात जो यहाँ पे इस तकरीब में शामिल हैं, मौली गुलजार साहब ने जो प्रोग्राम शुरू किया और कुछ शेर बयान किए, उसमें मैं भी एक शेर ऐड करना चाहता हूँ। परवाज़ तो दोनों की एक है एक जहाँ में, परवाज़ तो दोनों की एक है इस एक जहाँ में, शाही का जहाँ और किर्गस का जहाँ और, शाही का जहाँ और किर्गस का जहाँ और, अल्फाज़ो मानी में तवाफत नहीं लेकिन, अल्फाज़ो मानी में तवाफत नहीं लेकिन, मुल्ला की अज़ाँ और मुजाहिद की अज़ाँ और, मुल्ला की अज़ाँ और मुजाहिद की अज़ाँ और। बेसिकली ये शेर जो मेरा है, ये शायद उलमा हज़रा ज़्यादा समझते हैं, मेरा काम करने का जो स्टाइल था वो थोड़ा डिफरेंट था। मैं जब काम करने की कोशिश करता था या किसी केस को हैंडल करने की कोशिश करता था, और यही मेरा दस्तूर है, यही मैंने सीखा है कि मैं कंप्लेनेंट और अक्यूज पार्टी को दोनों को बुला लूँ, और मैं एसएचओ साहब से भी यही गुजारिश करता रहा कि आप जब भी कोई कंप्लेंट आती है उसको इंटरटेन करो और पहले उसको छोटी सी इंक्वायरी कर दो, तो इंक्वायरी के बाद फिर उसका एफआईआर लगाया जाए या उनका बाहमी तौर पर कोई फैसला किया जाए, तो उससे काफ़ी मसाइल हल होते हैं। मैंने देखा है कि हमने जब से ये कोशिश की तो इस कोशिश के सिले में हमें काफ़ी लोगों के माबेन जो छोटे छोटे तनाज़े थे या इशूज़ थे वो हम कामयाब हो गए साथ करने में। बाकी कोई भी सब डिवीजन अफसर हो, तहसीलदार हो, बी डी ओ साहब हो या एसएचओ साहब हो, लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं, जब लोकल हो के ज़्यादा ही उम्मीदें हो जाती हैं। लोगों के छोटे छोटे मसाइल होते हैं, कोई किसी का रिश्ते का मसला है, किसी की शादी का मसला है या किसी की ज़मीन की लड़ाई है, लोग पुलिस को इन्वॉल्व करते ही हैं कि पुलिस के माध्यम से ही हमारे मसले हल हो जाएँ। तो मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा एसएचओ साहब से, आने वाले डी एस पी साहब से, तहसीलदार साहब से, बी डी ओ साहब से, कि इनको बैठा के जिरगा करके कचहरी करके इनके मसले जो हैं बाहमी तौर पर हल किए जाएं। बाहमी तौर पर जब मसले हल हो जाते हैं तो रिश्ते जुड़ते हैं, रिश्ते कटते नहीं हैं। एफआईआर या कोई स्टर्न एक्शन लेना या लीगल एक्शन लेना किसी चीज़ का हल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं ड्रग्स के ख़िलाफ़, जैसे बताया गया, जैसे अपना दूसरा ये जो चोर शिकारी है इसके ख़िलाफ़ लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। मैं सचिव साहब से, मैं तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करूँगा कि वो जिस तरह से काम चल रहा है इसको और इसकी गति बढ़ाएं और इस पर अच्छी तरह से काम होना चाहिए। हमने भी कोशिशें की हैं चोरों को पकड़ने की, ड्रग्स को पकड़ने की, अब और भी इसमें थोड़ी पेशरफ्त होनी चाहिए ताकि और भी इस बीमारी का हल किया जाए, इस बीमारी को सोसाइटी से निकाला जाए। बाकी आपके बीच में मैं ज़्यादा ना रहूँगा, विकास अगले अगला आगे भी पहुँचना